हे गाइस, वेलकम टू एचई टुडे। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, आज भी हम एक पेपर लेके आए हैं और आज का पेपर जो है वो है आपका एआरओ 2018 का, है ना, जिसका पेपर आपका 2019 में हुआ था। ठीक है, आई थिंक दिसंबर में हुआ था। ठीक है, उसका पेपर हम सॉल्यूशन करने वाले हैं आज। जैसे आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, एक डिटेल के साथ कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ क्वेश्चन करेंगे तो उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो क्या हो, वर्थफुल हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, है ना, जो था, आपको पता भी होगा, आपने सुना भी होगा, पाकिस्तान से इंडिया का जोड़ रहा है। ठीक है ना, और बेसिकली ये टूरिज्म के लिए है। ठीक है ना, टूरिज्म से रिलेटेड है। तो ये क्या हो रहा है, कॉरिडोर वॉज ओपन, ठीक है, ओपन हुआ है। फॉल ऑन द विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्टर्न पंजाब, पाकिस्तान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहा रहा है, तो उसका नाम है नरोवाल। ठीक है, नरोवाल में है, ठीक है, याद रखना। इन विच कंट्री 2019 का जो एएफसी एशियन कप है, 2019 का जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो उसका आंसर है यूएई में हुआ था। ठीक है, अब जरा सा थोड़ा सा फुटबॉल से रिलेटेड आ गया, तो हम फुटबॉल से रिलेटेड दो तीन चीज़ें और देख लेंगे। ठीक है, तो फुटबॉल से रिलेटेड कुछ चीज़ें वो कर लेंगे, आपको याद रखनी है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जाएगी। पहला देखो कि फीफा अंडर 17 का, ठीक है, फीफा अंडर 17 का क्या होता है, वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला था। ठीक है, वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला था, कहाँ होने वाला था, इंडिया में होने वाला था। ठीक है, कब होने वाला था आपका, 2021 में होना था, लेकिन ये क्या हुआ, पोस्टपोन्ड हो गया है। अब ये कब होगा, 2022 में होगा। पहली चीज जो फुटबॉल से इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको याद रखनी है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है फुटबॉल से रिलेटेड, कि आपको पता है कि लियोन मेसी ने, है ना, लियोन मेसी ने क्या किया है, लियोन मेसी ने अपना क्लब छोड़ा था। कौन सा क्लब छोड़ा, वो था बार्सिलोना। ठीक है, बार्सिलोना, बार्सिलोना छोड़ा, तो अब कौन सा क्लब ज्वाइन किया फिर इन्होंने, तो इन्होंने क्या है, पेरिस सेंट, ठीक है, जर्मिन, पेरिस सेंट जर्मिन इन्होंने क्या किया है, ज्वाइन किया है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, और क्या रखना है आपको याद, तीसरी चीज आपको जी याद रखनी है वो ये रखनी है कि सबसे ज्यादा गोल स्कोरर कौन है फीफा में, ठीक है ना, फुटबॉल में, तो वो कौन है आपका, CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो किस देश से है, पुर्तगाल से रिलेटेड है। लियोन मेसी किसको, अर्जेंटीना देश का है। ठीक है, खेलता किस क्लब से था, बार्सिलोना से था, बार्सिलोना से छोड़ दिया, अब इसने क्या ज्वाइन किया, पेरिस सेंट जर्मेन इन्होंने ज्वाइन किया है। ठीक है, इन तीन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और भी चीजें, मैं पेन चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग वो कर पाओ। ठीक है, ब्लैक से लिखता हूँ। ठीक है, ओके, तो ब्लैक से लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना कुछ कप्स होते हैं, ठीक है, जो कप्स बहुत फेमस है आपको याद रखना। पहला आता है उफा, यूएफा, ठीक है, यूएफा कप जो है फुटबॉल में, ये जीता किसने, देखो मेल्स में जीता ये चेल्सी ने, ठीक है, चेल्सी एक क्लब है, उसने जीता यूएफा कप। ठीक है, और फीमेल्स में किसने जीता ये कप, तो बार्सिलोना ने जीता, बार्सिलोना। ठीक है, फिर आता है यूरोपा कप, यूरो कप, जो यूरो कप आता है वो उसने जीता किसने, ये इटली ने जीता। ठीक है, यहाँ पे कंट्री आ गई, और रनर अप कौन रहा, इंग्लैंड रहा। ठीक है, याद रखना आप। ठीक है, और कौन सा कप हो गया, कोपा कप किसने जीता, कोपा अमेरिका, बहुत फेमस कप है कोपा अमेरिका, जो जीता है वो जीता है अर्जेंटीना ने, हराया किसको है, ब्राजील को। ठीक है, बेस्ट प्लेयर रहा थे इसमें लियोन मेसी, अच्छा इसमें कौन से बेस्ट प्लेयर है, तो CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इसमें यूरो कप में ही क्या मिला था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गोल्डन बूट मिला था, गोल्डन बूट। अच्छा, यहाँ पे बेस्ट गोलकीपर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बेस्ट गोलकीपर कौन रहा इसमें, तो उसका नाम है एमिलानो मार्टिनेज ने। ठीक है, एमिलानो मार्टिनेज, ठीक है, एमिलानो मार्टिनेज, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिए, ये चीजें ध्यान में रखना। ठीक है, ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, ये पूछ रहा है कि आपसे, हु वॉज द एज ऑफ वेल नोन फिल्म मेकर मृणाल सेन हु डाइड इन कोलकाता इन दिसंबर इन 30, ये पुराना क्वेश्चन हो गया वैसे करंट अफेयर का, लेकिन अभी 2018 ज्यादा पुराना नहीं है, इसलिए हम इसके आंसर भी देख लेंगे। ठीक है,
तो ये कितने साल के थे? 95 साल के थे, ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसरो ने कितने 2019 में क्या डिसाइड किया था कि वो कितने, हाउ मेनी स्पेस मिशन फॉर द 2019 वर अनाउंस बाय द इसरो चीफ, कौन है? के सिवान है, के सिवान आपके क्या है, चीफ है। न्यू मैसेज फॉर द एम्प्लॉय, तो 32 इन्होंने किए थे, लेकिन ये पुराना हो चुका है। इससे पहले वाली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था कि कौन कौन से करने वाले हैं। तो चलो बताइए, सोलर कोरोना के लिए, ठीक है ना, कोरोना, ठीक है, सोलर कोरोना की स्टडी के लिए कौन सा मिशन करने वाले हैं इसरो वाले? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, मुझे पता चलना चाहिए आपने पुरानी वीडियो देखी कि नहीं देखी, ठीक है। फिर रखते हैं, चलो अमोज ओज के लिए कौन से डिसाइड हुए, कौन थे? इजराइली राइटर थे, ठीक है, लीव कर देते हैं। बांग्लादेश का जो इलेक्शन हुए थे वो कब हुए थे? आपके 30 दिसंबर 2018, ठीक है। और विजय दिवस कब मना देते हैं? 16 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन पाकिस्तान लिबरेशन वॉर में हम जीत गए थे, ठीक है। ओके, विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च द सिंगल इमरजेंसी नंबर 112? तो 112 नंबर कौन, किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया था सिंगल इमरजेंसी के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन विच सिटी वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द जनवरी 2019 में? ऑर्गेनिक फेस्टिवल लॉन्च हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ये चंडीगढ़ में हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखना। हु हैज सक्सीडेड द फैलाज मिलहानी एज द चेयरपर्सन ऑफ द CBFC सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो किसने सक्सीड किया? तो इनका नाम है प्रसून जोशी ने, ठीक है। उस समय का क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉमिनेटेड फ्रॉम द इंडिया ऑस्कर 2018 के लिए कौन सी नॉमिनेट हुई थी? न्यूटन भी थी, बहुत फेमस में थी, बहुत चर्चा में थी, आप सभी ने सही कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जीएसटी के बारे में, जीएसटी कब से लागू हुआ? इतना क्वेश्चन इतनी बार उठ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। 1 जुलाई 2017 से क्या हुआ था? ये इंटैक्ट हुआ था, ठीक है। आप मुझे इसके अमेंडमेंट के बारे में बताएंगे, कौन से अमेंडमेंट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ा था, ठीक है, और कौन सा आर्टिकल है? 229A, ठीक है। आर्टिकल मैंने बता दिया, अमेंडमेंट आप बताओगे कौन सा वाला अमेंडमेंट था, ठीक है। बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी वालों के लिए मैं थोड़ा सा होल्ड करके रख लेता हूँ, आप लोग पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 से लेकर 10 तक आप देख लीजिए, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछा है कि मिशन इंद्रधनुष, ये देखो इंद्रधनुष बारे इतना क्वेश्चन पूछ चुके हैं ना उत्तराखंड, इतना पेपर में पूछ चुके हैं, ये इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है, टीकाकरण से रिलेटेड है। इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी, ठीक है ना, तो ये कहां से कहां तक चलेगी? अहमदाबाद से मुंबई चलेगी पहली बुलेट ट्रेन, ठीक है। नेशनल वाटर डे 25 जनवरी को आता है, आप सभी को पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बी द आरबीआई गवर्नर? देखो अभी मनमोहन सिंह गवर्नर थे, उर्जित सिंह पटेल भी गवर्नर थे, और बिमल जलान भी आपके आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। जो नहीं रहे हैं वो कौन है? मोंटेक सिंह आलूवालिया, ठीक है, ये नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन थे, ठीक है ना, और ये तीन आपके आरबीआई के, तो जिसका आंसर हो जाएगा कि 15 का सी होगा, क्योंकि ये नहीं रही थी, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक, अब टोक्यो ओलंपिक गेम से रिलेटेड आ गए हैं आपका, आप जानते हैं कि 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक होना था वो यहाँ पे हुआ है। क्वेश्चन अब ये नहीं उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि अब 2024 का कहाँ होगा और 2022 का आपका विंटर ओलंपिक कहाँ होगा, तो ये चीजें यहाँ देखते हैं। 2023 का और क्या होगा, ठीक है ना, मेजर इवेंट्स, तो वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। तो देखो 2022 में जो आपका विंटर ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं वो कहाँ होने वाला है? वो आपका होने वाला है बीजिंग में, ठीक है, बीजिंग में चाइना में होने वाला है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और अगर आपसे इसका मैस्कॉट पूछ लिया जाए तो इसका मैस्कॉट था बिंग ड्वेन, ठीक है, बिंग ड्वेन ड्वेन इसका क्या है आपका मैस्कॉट था। 2022 में आपका कॉमनवेल्थ कहाँ होगा? 2022 के आपके कॉमनवेल्थ कहाँ होंगे? तो वो होंगे बर्मिंगम में, ठीक है, इंग्लैंड में होंगे, बर्मिंगम इंग्लैंड में होगा 2022 में। अच्छा, कॉमनवेल्थ भी डिस्कस हो गया, आपका विंटर ओलंपिक भी डिस्कस हो गया 2022 का। एशियन गेम्स कहाँ होंगे फिर? एशियन गेम्स ऑफ 2022, तो एशियन गेम्स कहाँ होने वाले हैं आपके? ये भी हांगझो में होगा, ठीक है, हांगझो, ये भी कहाँ है? चाइना में, हांगझो ऑफ चाइना में होंगे एशियन गेम्स आपके 2022 के, ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखना। ओके, और 2024 का समर ओलंपिक कहाँ होगा? तो वो आपका पेरिस में होगा, याद रखना पेरिस में। और 2023 में क्या है फिर? 2023 में है आपका इंडिया में होने वाला है वर्ल्ड कप, ठीक है, क्रिकेट का, क्या रखना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा चलो, टोक्यो तो है, आप मुझे बताओगे किसने, नीरज चोपड़ा ने जो आपका जेवलिन थ्रो में जीता, कितने मीटर फेंका था इन्होंने भाला, ठीक है, जो इनका विनिंग शॉट था उसमें कितना मीटर भाला फेंका था, आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे। रेनुका जी मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट,
ठीक है, कितने स्टेटों ने एग्रीमेंट किया ये आपको रहना, छह स्टेट थे ठीक है, छह स्टेटों ने क्या क्या साइन किया इस पे। विच ऑफ द ऑनलाइन कैंपेन हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिससे क्या होगा कैंपेन लॉन्च किया है ठीक है, कौन सा वो था ये, तो ये था कौन सा, वेब वंडर वुमेन ठीक है, वेब वंडर वुमेन जो था ये क्या है आपका टर्म। फिर आपसे पूछा है हु वाज द फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज, किसको मिला ठीक है अवार्ड हुआ फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर में तो आपको सभी को पता है क्या नाम है, एम एस स्वामीनाथन ठीक है, ठीक है, तो जिसको क्या बोला जाता है इंडियन एग्रीकल्चर का फादर ही बोला जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन। अच्छा वर्ल्ड में किसको था, तो नॉर्मन बोरलैंड ठीक है, नॉर्मन बोरलैंड ये वर्ल्ड में था भाई है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन तो याद रखना ठीक है, इंडिया में एम एस स्वामीनाथन को बोला जाता है और वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलैंड को बोला जाता है। 20 हु हैज बीन अपॉइंटेड द इंडिया फर्स्ट एवर यूथ एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ का, सबसे छोटा यूनिसेफ का किस यूथ एम्बेसडर बनाया, कौन बनाया सभी को पता है, हिमा दास, हिमा दास आपको असम की हैं और इनको असम रेल भी बोला जाता है ठीक है, दिहांग रेल, दिहांग दिहांग एक्सप्रेस बोला जाता है इनको, याद रखना। 21 नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है सर वी आर रमन के उसमें ठीक है। फिर करते हैं 22वां क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बी द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के गवर्नर नहीं रहे, सुरजीत सिंह बरनाला पहले ठीक है, मार्गरेट अलवा आपकी रही हैं, बी एल जोशी भी रहे हैं, बचा कौन आपके नित्यानंद स्वामी जी, नित्यानंद स्वामी जी क्या थे यहाँ के बताइए, सीएम ठीक है ना, तो ये थे आपके गवर्नर और ये आपके गवर्नर नहीं थे। हु हैज बिकम द इंडिया फर्स्ट हेड ऑफ द ग्लोबल सोलर काउंसिल का, पहला हेड कौन बना था ठीक है, ये आपसे पूछ रहे हैं 23 का क्वेश्चन, जिसका आंसर है प्रणव आर मेहता ठीक है ना, ये अभी रिसेंटली 2019 में दिसंबर में माता से आया, तो ये बहुत करंट का क्वेश्चन था ठीक है ना, तो आप लोग याद रख सकते हो, कई बार पूछ रिपीट भी हो सकता है ठीक है क्वेश्चन को। ओके गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली, अच्छा ये हिंदी में, सॉरी हिंदी वाले देख लीजिए आप, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं इंग्लिश में, तो विच सेट has become the Indian first state to roll out the universal basic income, कौन सा स्टेट है जिसने पहली बार यूनिवर्सल बेसिक इनकम रिलीज की है, तो वो है आपका सिक्किम ठीक है, सिक्किम का। गंगा जल प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, कई लोग कंफ्यूज रहेंगे कि उत्तराखंड में, उत्तराखंड में नहीं, उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है, ठीक है। अच्छा अगर आपसे पूछ लिया गंगा गैप, गंगा एक्शन प्लान कब लॉन्च हुआ था, जीएपी, तो 1986 में ठीक है, याद रखना। ओके और रिवर वैली प्रोजेक्ट्स कब स्टार्ट हुए थे, 1978 में, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, याद रखना। इन विच सिटी द पेनोरामा फिल्म फेस्टिवल 2019 है ना, इंडिया पेनोरामा फिल्म फेस्टिवल 2019 कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। और 1206 में बैठा था ये, 1210 में इसकी डेथ हो गई थी। इल्तुतमिश ने शासन किया था, एरोबिक क्वाइन चलाए थे, चालीगांव बनाया था, बलबन ने चालीगांव को क्या किया था, सॉरी खिलजी ने इसको अबॉलिश किया था, बलबन ने खुद को खुद खुदाई न्याय कहा था। और आप अगर चाहे तो मेरे एनशियंट हिस्ट्री के लेक्चर भी देख सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, या फिर एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू, क्योंकि लोग कमेंट ही नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो उस वजह से मोटिवेशन नहीं आती, इसलिए मैं आगे वीडियो बनाता हूँ, अदरवाइज मैं आपको इतनी अच्छी प्रिपेयर करा सकता हूँ एमसीक्यू से कि आपके सारे पेपर एकदम आप कॉन्फिडेंट करके आओगे ठीक है ना, कि सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया, और लाख बक्स भी कुतुबुद्दीन को ऐबक को कहा जाते हैं। कौन सा गेम खेलते हुए, चोगा गेम खेलते हुए इसकी डेथ हुई थी ठीक है, चोगा घोड़े जैसे पोलो होता है ना वैसा गेम होता है। द कैपिटल ड्यूरिंग द रेन ऑफ द कुतुबुद्दीन, देखो कुतुबुद्दीन के टाइम पे ना कैपिटल कौन सी थी ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, लाहौर थी इसकी कैपिटल ठीक है। ड्यूरिंग हूज रेजेंट डिड द तुलसीदास कंपोज द रामचरितमानस, रामचरितमानस ने अकबर के टाइम पे इसने क्या था, रामचरितमानस की वो की थी ठीक है। और अगर कहीं से आपसे पूछा जाएगा रामचरितम तो याद रखना रामचरितमानस नहीं है ठीक है, रामचरितम है वो ठीक है, वो किताब किसी और ने लिखी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो वाज द म्यूजिशियन वाज अ ठीक है, अमीर खुसरो वाज अ म्यूजिशियन एंड अ सूफिशियन भी था, हिस्टोरियन भी था, पर्शियन भी था, तो ऑल ऑफ दीज अबव होगा ठीक है, इसका आंसर ऑडियो। अच्छा रामचरितम का तो नाम ही नहीं बताया मैंने आपको, रामचरित संध्या करुणानिधि ने लिखी थी ठीक है, संध्या करुणानिधि
दिन्ने, तमिल तमिल भाषा में, ठीक है, तमिल में लिखी थी। ओके ओके, तो अमीर खुसरो कौन थे? सभी थे ये, सूफी सेंट भी थे, हिस्टोरियन भी था, पर्शियन भी था और ये भी था, ठीक है। तो अमीर खुसरो। ओके अच्छा, एक क्वेश्चन मैं बहुत कंफ्यूज करता था, अब आपको भी बताता, खुजहारो का मंदिर किसने बनाया? खुजहारो, खुजहारो का मंदिर, ठीक है, तो ये किसने बनाया था? चंदेलों ने बनाया था, चंदेल वंश ने, और कहाँ पे? ये एमपी में, ठीक है। तो मैं कई बार खुजहारो का मंदिर, अमीर खुसरो का मंदिर, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लोग, मेरे दिमाग में अभी आया तो आपको बता दिया, ठीक है। कई बार पूछा जाता है। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, तो देखो वॉरेन हॉस्टिंग था, 1772 में ये बना था, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और रेगुलेटिंग एक्ट के कारण इसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो गवर्नर जनरल बोलने लगे थे, ठीक है। इसे रॉबर्ट क्लाइव कौन था, जो 1757 में इन्होंने लड़ा है, क्या आपका बैटल ऑफ प्लासी, किसके, सिराजुद्दौला के उसमें, ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस, आपको पता है कि 1793 का स्थायी बंदोबस्त ये लेके आए थे, ठीक है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और सिविल सेवा के जनक भी इनको ही कहा जाता है, फादर ऑफ द सिविल सिविल सर्विसेज इन इंडिया इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। एंड ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा 1764 में, अच्छा 1764 में कौन था गवर्नर जनरल, जब बैटल ऑफ बक्सर भी थी, तो आपको याद रखना हेक्टर मुंडो, हेक्टर मुंडो उस समय जनरल था, ठीक है। इसी जनरल ने 1764 में बैटल ऑफ बक्सर जीती थी, ठीक है। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में आपको क्या बोला, दीवानी अधिकार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इससे पहले ये सारा मिटा देता हूँ। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु लेड द अहमदाबाद लेबर मिल स्ट्राइक ऑफ 1918, ठीक है। अहमदाबाद की किसने की थी लीड? तो महात्मा गांधी ने लीड की थी, ठीक है। ओके देखो, अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना, देखो सबसे पहले गांधी जी ने ना, सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में, ठीक है, ओके फाइन। 1918 में दूसरी बार इन्होंने क्या चीज की? तब इन्होंने की थी अहमदाबाद की लेबर स्ट्राइक की थी इन्होंने, ठीक है। फिर 1918 में इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया था, खेड़ा सत्याग्रह याद रख लेना ये सीक्वेंस, ठीक है। और फिर किया था इन्होंने 1920 में सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट 1919। अच्छा, इस सत्याग्रह को ही हम बोलते हैं नॉन कॉपरेशन, असहयोग आंदोलन, हिंदी में लिख लेता हूँ असहयोग आंदोलन। और यह असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर कब चला था? फरवरी 1922 तक चला था, जब चौरा चौरा की घटना हुई थी, और कुछ किन्होंने, कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या किया था, जो वहां पे गोरखपुर में, सॉरी चोरा चोरी घटना, चोरा चोरी जो जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां पे इन्होंने क्या किया था, एक पुलिस स्टेशन को ही जला डाला था, और उसमें बहुत सारे पुलिस स्टेशन जो क्या थे, पुलिस मैन थे, उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो 1922 तक चला था आपका असहयोग आंदोलन 1920 में, ये डेट याद रख लेना। अब कई बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी ने सबसे पहले क्या किया था, हंगर स्ट्राइक कब की थी? तो 15 मार्च 1918 को अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में ही गांधी ने सबसे पहले क्या की थी, भूख हड़ताल की थी, हंगर स्ट्राइक, याद रखना, कई बार पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती, नील की खेती, और कई बार इसे तीन कठिया, तीन कठिया, तीन कठिया भी बोला जाता था, ठीक है, तीन कठिया, ठीक है, तीन कठिया भी बोला जाता था, तीन कठिया सत्याग्रह भी बोलते हैं इसको, कि तीन कठिया मतलब नील की खेती करनी पड़ती थी ना तीन उसमें, तो तब उस हिसाब से इनको क्या करना पड़ता था, तीन खेत, उसके तीन कठिया भी बोला जाता था, क्योंकि उन्हें नील की खेती जबरदस्ती करवाई जाती थी ब्रिटिशों द्वारा, जिसकी कोई भी उनको अमाउंट नहीं मिलती थी, ठीक है, नील की खेती उन्हें प्रॉफिटेबल नहीं था। तो सत्याग्रह कराया था 1917 में हुआ था, 1918 में अहमदाबाद लेबर क्या भी थी, लेबर स्ट्राइक भी थी, जिसमें गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी 15 मार्च 1918 को। फिर हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, फिर आपको 1900 में सत्याग्रह, ठीक है ना, याद रखना। जब इन्होंने क्या किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था बरदोली सत्याग्रह, बरदोली सत्याग्रह, और बरदोली सत्याग्रह में ही इनको क्या, जो वहाँ की फीमेल थी ना, उन उस फीमेल के द्वारा इनको क्या कहता है, उपाधि दी गई थी सरदार की, जो वहाँ की औरतें थी उन्होंने दी थी बरदोली सत्याग्रह में सरदार की उपाधि। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ओके। बाल गंगाधर तिलक, जन्म मेरा सिद्ध अधिकार है, आपको पता ही होगा।
नेक्स्ट चलते हैं, द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट इन द कांग्रेस, द पहली इंडियन है। देखो एनी बेसेंट जो बनी थी वो 1917 में बनी थी, किसकी, आईएनसी की, आईएनसी की, लेकिन ये इंडियन नहीं थी, ठीक है ना, ये इंडियन नहीं थी। और होम रूल की स्थापना कब की थी एनी बेसेंट ने, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, याद रखना। तो सबसे पहली फीमेल पूछ रहा कि इंडियन कांग्रेस की पहली फीमेल कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू बनी थी, कब बनी थी, 1925 में। और 1927 में इन्होंने क्या किया था, ऑल इंडिया वुमेन फेडरेशन की भी इन्होंने क्या की थी, ढूंढी थी। 1927 में ऑल इंडिया वुमेन फेडरेशन की स्थापना किसने, किसने, सरोजिनी नायडू ने, पहली गवर्नर बनी थी यूपी की, ठीक है। 1925 में इन्होंने आईएनसी जो था आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस उसकी अध्यक्षता की थी, किसने, सरोजिनी नायडू ने। 1927 में ऑल इंडिया वुमेन फेडरेशन की स्थापना की थी सरोजिनी नायडू ने। पहली वुमेन अगर आपसे पूछा था कौन बनी थी तो एनी बेसेंट बनी थी, कब, 1917 में। 1900 होम रूल की स्थापना किसने की थी, तो एनी बेसेंट ने और बीजी तिलक ने की थी 1916 में। और बाल गंगाधर तिलक को इंडिया का अशांति का जनक माना जाता है, किसने बोला, ठीक है, विंसेंट सिरोल ने इसको क्या बोला था कि भारत में जो अशांति है ना वो बाल गंगाधर तिलक की वजह से, क्योंकि ये अपने क्या करते हैं बहुत ज्यादा अपने अखबार की वजह से, ठीक है। तो अशांति का, भारत में अशांति का जनक किसको कहा था, विंसेंट सिरोल ने, तो विंसेंट सिरोल ने कहा था बाल गंगाधर तिलक को। ये बातें आप ध्यान रखना, होप्स आपको समझ आ गई होंगी मेरी बातें, ठीक है। अच्छा 1925 आ गया, तो 1924 में किसने की थी, तो 1924 की अध्यक्षता की थी एमजी गांधी ने, ठीक है, एमजी गांधी ने की थी, कहाँ की थी, बेलगाम में की थी, याद रखना, ओके। चलो आगे चलते हैं, फिर करते हैं आगे और क्वेश्चन, होप्स आपको मजा आ रहा होगा, आपका नॉलेज बढ़ता जा रहा होगा, ठीक है। 1924 में, अच्छा सॉरी 1924 से पहले तो क्वेश्चन और है, द रिलीजियम इज अ ओपियम टू द मास, किसने कहा था भाई, कार्ल मार्क्स ने कहा था। ये कार्ल मार्क्स की फेमस बुक कौन सी है, तो वह है दास कैपिटल, सबसे फेमस दास कैपिटल किताब है, ठीक है। लेनिन कौन था, लेनिन ना था आपका कम्युनिस्ट था, ठीक है, कम्युनिस्ट था लेनिन, कम्युनिज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित था, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, द बेसिक थ्योरी ऑफ लिबरलिज्म क्या होता है, लिबरलिज्म मतलब उदारवादी होना, उदारवादी का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या करना, लिबर्टी करना, आप क्या करना, उदार भाव से वो करना, ठीक है। तो उदार भाव से क्या होती है आपकी व्यक्तिगत, इंडिविजुअल लिबर्टी, आपने उदार भाव कर दिया, ठीक है। हिंदी वाले देख लीजिए आप जल्दी से, 29 तक आ गए, फिर 29 30 से लेकर 36 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पॉज कर लेना आप, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 37। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकेम अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन लोकसभा के बारे में बात कर रहे हैं, लोकसभा में पहला बनने वाला कौन बनता था, तो एक ही ऑप्शन है आपके 37 का, जो आपका आंसर है वह दादा भाई नेहरू जी आपके हाउस ऑफ कॉमन में पहले बन जाने वाले इंडियन थे, और ये बने थे, और दादा भाई जी नेहरू जी ने ना इसे ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक है। और आपको शायद पता होगा 1905 में इन्होंने ही अध्यक्षता की थी, कब, नरम दल और गरम दल डिवाइजन होने वाले थे 1905 में ही होने वाले थे डिवीजन, लेकिन दादाभाई नेहरू जी के चक्कर में इन्होंने क्या कहा था, 1905 में नहीं 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या हुए थे, नरम दल गरम दल अलग हुए थे, ठीक है। तो 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, आपको पता होगा, ठीक है। और 1900 बंगाल के विभाजन को वापस कब लिया था, 1911 में लिया था, याद रखना, ठीक है, जब जॉर्ज पंचम इंडिया आ रहा था, और उसी के बाद कलकत्ता को राजधानी चेंज करके दिल्ली ले गए थे, ठीक है, याद रखना। तो 1911 में जो जॉर्ज पंचम इंडिया आ रहे थे, 1911 में एक तो बंगाल विभाजन को क्या कहता, खत्म किया था, और कलकत्ता से कहाँ ले गए थे, दिल्ली ले गए थे, ओके। दादा भाई नेहरू जी पहले इंडियंस थे जो हाउस ऑफ कॉमन था, लोकसभा, इंग्लैंड की लोकसभा में गए थे, ठीक है। एट द टाइम ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में चला था, ठीक है, महाराष्ट्र स्टार्ट हुआ था, ठीक है, गांधी जी द्वारा चलाया गया था। द फर्स्ट इंडियन पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ चलाई थी, बलिया में चलाई गई थी भाई, पहली पैरेलल गवर्नमेंट चलाई गई थी, कहाँ चलाई थी, बलिया से चार्ट की। बहुत वैसा क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुत बार, हु रोट द सेतु बंध किसने लिखी भाई, आपसे क्वेश्चन पूछा सेतु बंध किसने लिखी, तो ये लिखी थी प्रसेन द्वितीया ने लिखी थी भाई, सेतु बंध, याद रखना। बाय विच नेम द एग्रीमेंट बिटवीन द नेपोलियन एंड पोप इज नोन एज, इसको बोलते हैं हम कनकॉर्डेट, ठीक है, कनकॉर्डेट बोलते हैं, जो नेपोलियन और पोप के बीच में क्या हुआ था, एक क्या हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, जिसे हम बोलते हैं कनकॉर्डेट, ठीक है, कनकॉर्डेट बोलते हैं। भीम बेट का जो एंसेंट लेक्चर, हिस्ट्री के लेक्चर बनाए थे, मैंने बताया था भीम बेट का में कहाँ कहाँ पे वो मिली है, तो ये आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में भीम बेट का, वहाँ पे आके आपको प्राचीन वगैरह सारी साइटें मिली हैं, ठीक है, एंसेंट हिस्ट्री का लेक्चर मैंने सब कवर कराया, आप जाके पूरा डिटेल वीडियो देख सकते हैं, ठीक है।
अगर आपको नहीं मिलता तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपको मिल जाऊंगा, ठीक है। फिर आपसे होता है हु अमंग द इंस्क्रिप्शन गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट टू अश्वमेघ यजनास परफॉर्म बाय द किंग पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग ने दो अश्वमेध यज्ञ कराए थे, इसके बारे में हमें कहां से पता चलता है, ठीक है, इसके बारे में हमें पता चलता है अयोध्या इंस्क्रिप्शन से, अयोध्या अभिलेख से, ठीक है। और जो पुष्यमित्र संघ है ना, पुष्यमित्र सुंग ने ही सुंग वंश की नींव डाली थी, ठीक है। किसको मारा था? बृहद्रथ को मारा था। और पहला ब्राह्मीन क्या था, ये क्लैन था जिसने राज किया था, ठीक है। और दूसरा इसने संस्कृत को बहुत ज्यादा वो दिया था, ठीक है, संस्कृत को बहुत ज्यादा उत्थान किया था इसने, सुंगाना पुष्यमित्र सुंग ने। और ये मिलता है हमें अयोध्या हाउस में, तो ये चीजें यहाँ रखना। सुंग वंश, पहले इसने बृहद्रथ की हत्या की थी, दूसरा ये ब्राह्मीन क्लैन था, सबसे पहला ब्राह्मीन क्लैन जिसने दिल्ली सेंट्रल पे वो किया, राज किया। और फिर इसने संस्कृत को क्या किया, संस्कृत को बहुत ज्यादा संस्कृत को बहुत ज्यादा वो किया इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु फाउंडेड द बोर्बन डेनिसिटी इन फ्रांस। तो बोर्बन डेनिसिटी किसने स्थापना की 43 का, ठीक है, तो ये करी थी हेनरी फोर्थ ने की थी इसकी स्थापना, ठीक है, हेनरी फोर्थ ने की थी। हु वॉज द पेंटर ऑफ द लास्ट जजमेंट। देखो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट जजमेंट की जो पेंटिंग की थी वो की थी मिशेल गेलो ने, ठीक है, मिशेल गेलो ने की थी लास्ट जजमेंट। आप क्या करोगे, लियोनार्डो डी विंची। लियोनार्डो डी विंची जो एक फिजिसिस्ट भी था, साइंटिस्ट भी था, आर्टिस्ट भी था, बहुत ज्यादा इसने बहुत सारे काम किया लियोनार्डो डी विंची ने। इसकी फेमस पेंटिंग आप लोग कमेंट करके बताओगे कौन सी है, सब जानते हैं, ठीक है ना, कमेंट इसकी पेंटिंग कौन सी थी, उसका नाम क्या है, ठीक है। हु इज कॉल्ड द मॉडर्न चाणक्य। मॉडर्न चाणक्य किसे कहा जाता है, मैक्सवेली को कहा जाता है, ठीक है, मैक्सवेली को क्या कहा जाता है, मॉडर्न चाणक्य कहा जाता है, ठीक है। अंडर हुज रूल द पोस्ट ऑफ नियाबी ए मुलिकत वॉज क्रिएटेड, ठीक है, नियाब ए मुलिकत। मुलिकत किसके शासनकाल में ये क्या की थी पोस्ट क्रिएट की गई थी, तो उसका आंसर है बैरम शाह, ठीक है, बैरम शाह के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 47. Out of which state recorded the lowest decadal growth of the population between the 2001 to 2011? सबसे ज्यादा किसने वो की है, तो वो आंसर है नागालैंड, ठीक है, नागालैंड ने ही क्या किया, सबसे ज्यादा लोएस्ट ग्रोथ दिखाई है, ठीक है। Which of the following of the USA, United States, is famous for the wheat cultivation in the spring season? तो ये है North Dakota, ठीक है, North Dakota में ये बहुत ज़्यादा famous है कि वहाँ पे क्या आता है, spring season में क्या जाती है, wheat की cultivation की जाती है, जब आपको पता है कि wheat की cultivation आपकी उसमें होती है, सर्दियों के time पे होती है, ठीक है ना। हिंदी वाले देख लीजिए, चलो 50 से start करते हैं। Which one of the following passes connect the Arunachal Pradesh and Tibet? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत दर्रा पूछ रहा है कि कौन सा दर्रा है, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए जो दर्रा आपका क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है ना, ठीक है, तो वो कहाँ है आपका, बॉमडिला पास, ठीक है, बॉमडिला पास है अरुणाचल प्रदेश में, जो क्या करता है तिब्बत से अरुणाचल को जोड़ता है ना, तो बॉमडिला वो क्या होता है, बॉमडिला कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। बाकी छांगला कहाँ है, ये भी पूछा जाता है, छांगला कहाँ है, लद्दाख में, ये लेह को जोड़ता है, ठीक है, लेह को जोड़ता है, ठीक है, लद्दाख से। बनिहाल कहाँ है, ये जम्मू एंड कश्मीर में, ये भी याद रख लेना, जम्मू एंड कश्मीर है। अघील पास कहाँ है, ये भी लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में। अब कुछ फेमस है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों का क्या होना चाहिए, फायदा होना चाहिए इस वीडियो देख के, ठीक है, तो कुछ बता रहा हूँ आपको, जल्दी जल्दी अपना नोट बनाना। एक होता है नाथुला और जलेपला, नाथुला जलेपला ये कहाँ है, सिक्किम में, ठीक है, मैं एसके लिख रहा हूँ, सिक्किम, याद रखना। लिपु लेक कहाँ है, ये भी आपका तिब्बत से जोड़ता है, ये है उत्तराखंड में, सभी को पता होगा, आप उत्तराखंड का पेपर दे रहे हो, तो लिपु लेक उत्तराखंड में, नाथुला जलेपला कहाँ है आपका, सिक्किम में, ठीक है ना। फिर आपका बारालाचा और सिपकीला, ठीक है, सिपकीला और बारालाचा कहाँ है आपका, ये हिमाचल प्रदेश में, बारालाचा और सिपकीला आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और शांगला पास ये आपका लद्दाख में, बनिहाल जम्मू कश्मीर में, अघील आपका लद्दाख में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में एक हो रहा है दिहांग पास, ये भी याद रखना, दिहांग पास, ठीक है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में। और छांगला और थांगला ये कहाँ, लद्दाख में ही है ये भी। और सबसे फेमस आपका याद है जोजिला पास, ये कहाँ है आपका, जोजिला पास, ये आपका कश्मीर टू लद्दाख को जोड़ता है, अब याद रख लेना आप,
आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो जिला कश्मीर टू लद्दाख को जोड़ता है, और हिमाचल प्रदेश में दो हैं, बारालाचा और सिपकिला। लीपू लेक है आपका, उत्तराखंड में एक मुलिंगला भी है, मुलिंगला। मुलिंगला तिब्बत से जोड़ता है उत्तराखंड को या इंडिया को। मुलिंगला, लीपू लेक हो गया, दो हो गए यहाँ पे, ठीक है। नाथुला जलेपला आपका सिक्किम में है, बोमडिला दिहांग आपका आंध्र प्रदेश में है, सांगला और थांगला आपका लद्दाख में है, और बनिहाल पास जो है वो आपका कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, और अघेल पास कहाँ हो जाएगा आपका, लद्दाख में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, फिर से देखो, फिर से वही रिपीट क्वेश्चन हो चुका है कि विच स्टेट है लॉन्गेस्ट कोल्ड रिजर्व वायर, वो कहाँ है, झारखंड में। झारखंड के कहाँ है, झारिया में, ठीक है, सबसे कोल्ड रिजर्व कहाँ है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच ऑफ द पंचमणी हिल, पंचमणी हिल सतपुड़ा में है भाई, अरावली के सबसे हाईएस्ट। अरावली क्या है, एक तो आइगनस चट्टानों से सबसे पुरानी जो चट्टान है, वो अगर आपसे पूछा सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है इंडिया में, तो वो अरावली की पहाड़ियां हैं, ये आग्नेय चट्टानों से बनी हुई है। और दूसरा अगर मैं कहूँ कि जो अरावली है उसकी जो सबसे हाईएस्ट कौन सी है, तो वो माउंट आबू है, ठीक है ना। माउंट आबू में आपकी कौन सी हाईएस्ट पीक है, उसका नाम क्या है, ठीक है, तो उसका नाम क्या है, गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचमणी हिल का है, पंचमणी हिल आपकी सतपुड़ा में है, ठीक है, याद रखना। ओके, विच ऑफ दी वन ऑफ फॉलोइंग आइसलैंड इज नोन एज राइस बोल ऑफ जापान, राइस बोल ऑफ मतलब सबसे ज्यादा राइस होता है वहां पे, ठीक है, कौन सा आइसलैंड को कहा जाता है, मतलब बहुत वैसा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको याद रखना होनशू। और ये होनशू क्या है, हमने पिछली वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, इसलिए मैंने कहा था कि जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं 2014 और 2018 के पेपर में, ठीक है, अब तो आप देख पा रहे होंगे, होनशू ही डिस्कस किया था, होनशू ही आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चीफ एग्रीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, क्या सबसे ज्यादा चीफ एग्रीकल्चर है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, जो ट्रॉपिकल में भी होगी और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, इंटेंसिव फार्मिंग होती है भाई, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल जो एरिया वहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होती है, फार्मिंग होती है, ठीक है, याद रखना। हुदहुद साइक्लोन, देखो साइक्लोन का नाम दिया हुआ है हुदहुद, ठीक है। वॉज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल रीजन ऑफ द इंडिया, कौन से इंडिया के कोस्टल रीजन में, आपने सुना होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में आता है, ठीक है, हुदहुद उस समय उसमें रहा होगा, न्यूज में रहा होगा ये 2018-19 में, तो इसलिए पूछा गया हुदहुद साइक्लोन, तो ये आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन में है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिडेन द ग्रीनविच जीएमटी, देखो जीएमटी कहाँ पे, लंदन में, लंदन से क्या क्या टाइम को मैनेज करने के लिए, एक लंदन से एक लाइन खींची गई है, इस साइड के लिए पॉजिटिव, इस साइड के लिए नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, हमने पढ़ा भी होगा, टाइम कभी चेंज करो, जीएमटी प्लस 530 बोलते हैं हम अपना, ठीक है ना, तो हमारा जीएमटी है, तो बोले कि जीएमटी से मेरिडियन कौन सी जाती है, 0 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 57, द आइडेंटिटी ऑफ द चीफ आयरन ओर माइनिंग सेंटर ऑफ द ग्रेट लेक रीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, सबसे ज्यादा क्या बोला है, आइडेंटिफाई द चीफ आयरन ओर माइनिंग सेंटर्स ऑफ द ग्रेट लेक रीजन ऑफ द यूनाइटेड, जो यूनाइटेड ग्रेट लेक है ना वहाँ पे, तो ग्रेट लेक का जो ओर माइनिंग है वो क्या, कौन सा है इनमें से, ठीक है। तो 57 का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, दुलुत, मेसाबी और वर्मिलियन, ठीक है, ये आपका आंसर है 57। नेक्स्ट आंसर देते हैं 58, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैड यूज्ड द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग क्रॉप कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्रॉप कॉम्बिनेशन इंडिसेस फॉर द फर्स्ट टाइम, ये बहुत ही ज्यादा वैसा क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है सारी चीजें छोड़ देंगे, ठीक है, जेसी वेवर इसका आंसर था, ठीक है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, इसलिए अब मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा डेंस कहाँ पे है भाई, आपको पता है सबसे ज्यादा डेंस एक ही जगह है, वो है आपका बिहार, ठीक है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के, लेकिन डेंस कौन सा है, बिहार, ठीक है। ओके, विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया द बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट, बोकारो कहाँ है भाई, आपसे पूछा बोकारो कहाँ है, बोकारो, ठीक है, तो आपको पता बोकारो कहाँ है, झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हिंदी वाला आप देख लीजिए, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, 61, विच ऑफ द फॉलोइंग टकला मकान, टकला मकान क्या है भाई, टकला मकान एक आपका डेजर्ट है, ये कहाँ पे है, ये मंगोलिया में, ठीक है, टकला मकान जो है वो आपका कहाँ पे, मंगोलिया में, ये क्वेश्चन पूछा था। और अच्छा, गोबी डेजर्ट कहाँ है आपका, गोबी डेजर्ट, ठीक है, गोबी डेजर्ट, ओके, सॉरी, जो गोबी डेजर्ट है वो कहाँ पे, ये इसका आंसर ये मंगोलिया में होगा, इसका आंसर चाइना होगा, ठीक है। गोबी डेजर्ट कहाँ पे, सॉरी, टकला मकान जो है वो चाइना में, सॉरी, हम तो सॉरी, मैंने मुझसे गलती से नहीं कर, गोबी डेजर्ट कहाँ है, तो देखो गोबी डेजर्ट में ना कन्फ्यूजन होता है, एक चाइना में भी है और आधा मंगोलिया में भी है,
ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना, चाइना मंगोलिया इन दोनों में से है, लेकिन कई बार गोबी डेजर्ट को कहाँ बोलते हैं, चाइना में बोलते हैं, ठीक है, और ये मंगोलिया में भी है वैसे गोबी डेजर्ट, ठीक है, मैं आपसे पूछा इसलिए, एग्जाम पूछा था इसलिए बोल रहा हूँ। और टकला मकान कहाँ पे है, टकला मकान आपका चाइना में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिनोवा, जिनोवा इज फेमस फेमस एंड लीडिंग सी पोर्ट ऑफ द विच ऑफ द कंट्री, ये किसका, इसका आंसर क्या होगा, जिनोवा, जिनोवा कहाँ का है, इटली, ठीक है, इटली का है, सबसे फेमस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट ऑफ द इंडिया इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन हरियाणा, ये हरियाणा में, ठीक है, याद रखना। और एक इंदिरा 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 गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ है, वो राजस्थान में। वांगो रिवर, ठीक है, वांगो रिवर विच इज नोन एज द सोरो ऑफ चाइना, ठीक है, वांगो रिवर जो है वो सोरो ऑफ चाइना कहलाती है ना, उसको फॉल्स इनटू द विच सीज, कौन से सीज में, वो कहते हैं पीले सागर में गिरती है, ठीक है। तो वांगो क्या है आपकी, क्या ये वांगो रिवर जो है वो सोरो ऑफ चाइना कहलाती है, कौन से नीगर रिवर में गिरती है, येलो सी में गिरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका पूछा है, देखो भाई नेक्स्ट आ गया ना, तो पूछा है कि सिपकिला, पहले बात सिपकिला दर्रा कहाँ है बताइए, सिपकिला दर्रा है आपका कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, अभी पढ़ा हमने, ठीक है। पूछ रहा है कौन सी वैली में, चंद्रा वैली में, सुतलज वैली में, ब्रह्मपुत्र वैली में, या नुब्रा वैली में, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखो ब्रह्मपुत्र से ये तो हो ही नहीं सकता, आप खुद का दिमाग भी लड़ा सकते हो कि ब्रह्मपुत्र तो हो ही नहीं सकता, अब बचा नुब्रा वैली और आपकी सुतलज वैली, और नुब्रा वैली कहाँ पे है बताइए, है ना, आपने न्यूज में बहुत ज्यादा सुना होगा नुब्रा वैली, हाँ अभी बहुत ज्यादा न्यूज में थी, नुब्रा वैली कहाँ पे हो गई, लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में हमने सुना भी होगा नुब्रा वैली में चाइना क्या कर रहा है, एक्सप्लोइटेशन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, तो नुब्रा वैली कहाँ होगी, लद्दाख में होगी, बच्ची आपकी चंद्रा वैली या सुतला वैली, तो आंसर क्या है, सुतला वैली, सतला वाली जब सतलज नदी आती है तो वहां पे सिकरा दर्रा बनता है, ठीक है ना। ओके जेंटलमैन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 966 देखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन शेड्यूल फर्स्ट कास्ट 2000 सेंसस के लिए, कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द इंडिया हैज लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट पर 2011 से, ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब, पंजाब में कितने परसेंट शेड्यूल कास्ट है, लगभग 28.9% के आसपास है, ठीक है। ओके अच्छा, सबसे कम पूछेगा, सबसे लीस्ट, अगर लीस्ट पूछेगा तो क्या है, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम में सबसे कम एससी है, ठीक है। ओके अगर यूटी पूछेगा, यूटी तो कौन जाएगा, चंडीगढ़ में, सबसे चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा है, ठीक है, एससी स्टेट में पंजाब, लीस्ट है मिजोरम, और चंडीगढ़ में कौन है, यूटी में पूछेगा तो, यूटी में पूछेगा तो चंडीगढ़, ठीक है। विच इज द फर्स्ट लॉ कमीशन, अब पिछले वाली वीडियो में पढ़ाया था, यू पॉलिटी की वीडियो में भी कवर कराया, यहाँ पे भी कराया, लॉर्ड मैकाले, ठीक है, 1834। द क्रिप्स मिशन कब आया था, क्रिप्स मिशन आया था भारत में 1942 में भाई, अब कब आया था, 11 मार्च 1942 में, तो 43 हो नहीं सकता, बचे ये ऑप्शन, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, तो आया था 11 मार्च 1942 को, याद रख लेना, ठीक है। ओके किस 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 में आया था, स्टैनफोर्ड क्रिप्स के उसमें, क्रिप्स मिशन, ठीक है। विच व्हेन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इनेक्टेड एन एक्ट ऑथराइजिंग द क्राउन टू इशू द चार्टर एस्टैब्लिश रिकॉर्डर कोर्ट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, देखो भाई ये आ गया लीगल हिस्ट्री का क्वेश्चन, पूछ रहा है कि पार्लियामेंट ने कौन सा क्या क्या इंटैक्ट किया, ठीक है ना, कि ब्रिटिश सांसद द्वारा क्या बोलते हैं कि आपका जो रिकॉर्डर्स न्यायालय स्थापित करने की आधारिक सम्राट को प्राप्त करने के अधिनियम पारित कब किया गया था, तो आंसर है 1797 में किया गया था, ठीक है, 1797 में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर द मुगल एम्परर शाह आलम ग्रांटेड द दीवानी ऑफ द बंगाल, फिर अगेन वही क्वेश्चन बहुत बार पूछे, 1765 में, रिपीटिव क्वेश्चन है, पिछले 2014 का पेपर जिसने किया होगा उसने तो देख ही लिया होगा, बाकी मैं आपको स्टोरी बता चुका हूँ, ठीक है। By the regulating act of 76, Supreme Court established in the which of the Kolkata में establish किया गया था? Again वही question, मैंने आपको फिर से video, polity की video में भी बताया था, और उस video में बताया था, ठीक है? Next question है, Portuguese were the first European nation to acquire the land of the Bombay in the year of 1534 में उन्होंने acquire किया था, ठीक है? Bombay की land को, इसने Portuguese ने, और 1610 में, तो 1610 1661 में ना आपकी क्या थी कि जो इंग्लैंड का राजा था, इंग्लैंड का राजा था कौन था उस समय, चार्ल्स द्वितीय, ठीक है, चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय ने शादी की थी पोर्तुगीज के जो किंग था उस समय, ठीक है ना, उस पोर्तुगीज के किंग था उसकी बेटी के साथ शादी की थी, और बेटी के साथ शादी करने से क्या हुआ था, इनको बॉम्बे गिफ्ट मिला था कब, 1661 में,
ठीक है, बॉम्बे इन्होंने हथियाया था पोर्तुगीज ने 1534 में, और जो 1661 में किसको मिला था, चार्ल्स द्वितीय को मिला था एज अ दहेज के रूप में, ठीक है, दहेज के रूप में इंग्लैंड का राजा था चार्ल्स द्वितीय, उसको मिला था 1661 में। अच्छा, उसका उस पोर्तुगीज रानी का नाम क्या था जिसका चार्ल्स द्वितीय की शादी हुई थी, उसका नाम था कैथरीन, ठीक है, कैथरीन, तो याद रखना ये पूछा जाता है इसलिए मैंने बता दिया। कैथरीन के साथ चार्ल्स द्वितीय को विवाह करने के चक्कर में इनको मिला दहेज 1661 में, ठीक है, याद रखना। हिंदी वाले बच्चे देख लीजिए क्वेश्चंस, ठीक है, पॉज करके 67 और 73 देख लीजिए, आगे चलते हैं। फिर आपसे पूछा था प्रिंसिपल ऑफ द रेनोवी, रेनोवी इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये प्रिंसिपल, ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है आपका, तो यह है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग चार्टर इनिशिएटेड द सिस्टम ऑफ द अपील फ्रॉम द कोर्ट्स इन इंडिया टू द प्रिवी काउंसिल, फिर से वही क्वेश्चन आपका, ठीक है, बिना आंखें बंद करके कर लीजिए अगर आपने पिछला पेपर देखा है तो, ठीक है, फिर से वही लेक्सी रिपोर्ट, फिर से वही क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ कमीशन, ठीक है। इसलिए देखो बोलते हैं कि हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर हमेशा देख के जाने चाहिए। द चॉल्ट्री कोर्ट, चॉल्ट्री कोर्ट किससे रिलेटेड था, तो ये पैटी कैसे था, ये नया क्वेश्चन से पुराना नहीं है। इन द जुडिशियल पैन 1772 सरदार निजामत अलाह को क्या बोलते, दरोगा ए इदारत बोलते थे, 70, फिर से रिपीटिव क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन, ठीक है ना, रिपीट रिपीट रिपीट। फिर पूछा है amicus query is a person who helps a court in any judicial proceeding voluntary or on the invitation of what, on the invitation of what, court karega na bhai, court hi to karega invite, tabhi to gawahi dega uske judicial proceeding mein, aise thodi khud ghus jayega kahin pe bhi। Phir aata hai res ipsa liquitur, ye kya hai, ek legal maxim hai, a legal maximum ka answer ho jayega the things speak for itself, jo khud hi jo cheeze hoti hai khud gawa de de apni, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम ओबी जुएस ईबी रेविडियम, ठीक है, तो ये बोला इसका आंसर क्या हो जाएगा 80 का, वेयर देयर इज राइट देयर इज अ रेमेडी, ठीक है, जहां राइट होंगे वहीं क्या होंगे, उपचार होंगे। फिर आता है अबेटमेंट, अबेटमेंट का मतलब क्या है, ये एक लीगल ग्रोसरी का वर्ड है अबेटमेंट, अबेटमेंट होता है किसी की सहायता करना, ठीक है, किसी की सहायता करना, इंग्लिश में इसका वो कर देना, या फिर अबेटमेंट लिखा तो टू डिक्रीज होगा, ठीक है, कॉम्प्लिक अबेटमेंट तो डिक्रीज होगा इसका आंसर, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे देख लीजिए जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, रमैनी का सिद्धांत 76 तक आपने देख लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 77 से लेकर आपका 82 तक देख लीजिए आप। फिर आपसे पूछा है कि एक्विसिस का मतलब क्या होता है, तो एक्विसिस का मतलब आपसे पूछा है, ठीक है ना, तो एक्विसिस क्या है, यहाँ पे लिखा टू गेन वंस वन एडमिट ट्रू टू मेक अवेयर टू पैसिव असेंट, तो जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू गिव द असेंट, ठीक है, किसी को सहमति देना, किस चीज का मतलब। फिर आपसे पूछा है लीगल मैक्सिमम है, पूछा है म्यूटेटिस म्यूटेंडिस का मतलब क्या है, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विद इन द नेसेसरी चेंजेस इज अ पॉइंट ऑफ डिटेल, ठीक है, सी ऑप्शंस। फिर आपसे फिर से पूछा है लीगल मैक्सिम, इंट्रा इलिया का मीन्स क्या है, तो इंट्रा इलिया का मीन्स क्या हो जाएगा आपका, अमंग्स द अदर थिंग, ठीक है, अन्य बातों के साथ। नेक्स्ट देखते हैं मोराटोरियम, मोराटोरियम का आंसर क्या हो जाएगा, 85 का हो जाएगा सी, लीगल ऑथराइज्ड डेबिटर ऑफ द पोस्टपोन पेमेंट ऑफ द सर्टेन टाइम, ठीक है। 86 का हो गया मिस फियंस मीनिंग का मतलब क्या होगा, ठीक है, 86 का आंसर हो जाएगा इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ अ लॉफुल एक्ट, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। इजोडियम क्या होगा, इजोडियम जेनरेसिस, इजोडियम जेनरेसिस होगा कि ये भी वही टाइप का क्वेश्चन हो गया जो साइज से रिपीट ही हुई है जो पूछा था, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, उसी प्रकार का, ऑफ द सेम काइंड, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट से फिर से लीगल मैक्सिमम न्यूगम पैक्टम, ठीक है, न्यूगम पैक्टम का क्या मतलब क्या हो गया, बी विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, बिना किसी कंडीशन के, परसोना परसोना नॉन ग्राटा, सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है बिकॉज मैं इस फील्ड से नहीं हूँ और लैटिन वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है ना, तो प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, तो उसका आंसर हो जाएगा एन एक्सेप्टेबल पर्सन टू द कंट्री, ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लें लैटिन वर्ड में परसोना नॉन ग्राटा। फिर देखते हैं 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन का क्या है, पेडेंटी लाइट, पेडेंटी लाइट, ठीक है, एक मुझे तो वो आ गया, वो पेंट आता है ना पेडेंट, उसी उससे रिलेटेड याद आ गया। पेडेंटी लाइट का मतलब क्या होता है 90 का, बी ड्यूरिंग द लिटिगेशन, ठीक है, लिटिगेशन के दौरान। फिर आपसे पूछा है फिर से, तो अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, पैक्टा सुन सर्वंदा, ठीक है, 91 का है इसका नाम है, ये किससे रिलेटेड है, इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है, ठीक है, रिलेटेड टू द इंटरनेशनल लॉ। फिर बात करते हैं हिंदी वाले देख लीजिए क्वेश्चंस।
फिर से एक क्वेश्चन है, पर इंक्यूरियम मींस क्या है? ठीक है, पर इरिक्यूरियम मींस क्या होता है? ठीक है, तो पर क्यूरियम्स का मतलब होता है थ्रू केयरलेसनेस, केयरलेसनेस के उससे। विजिलेंटी बस एट नॉन डोरमेंटर जोर ए सर्वेंटियम, इसका मतलब क्या है? लीगल मैक्सिमम है, और लीगल मैक्सिमम का मतलब है द लॉ गिव द हेल्प टू दोज हु आर वॉचफुल टू नॉट टू स्लीप, मतलब कानून उसी की सहायता करता है जो खुद ब खुद किसी चीज के लिए होता है, ना कि सोया रहता है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। फिर आपसे पूछा है नॉक्टर नॉस्क्यूटर असोसिस, ठीक है, इस 94 का मतलब क्या हो जाएगा? वन हु नो हिज कंपेनियंस, ठीक है, जो अपने कंपेनियंस के बारे में जानता है। एड वेलरम, ये फिर से रिपीटिव क्वेश्चन है, एड वेलरम का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, ऑप्शन डी 95 का डी हो जाएगा। ठीक है, पूछा होता है प्राइम फेशिया, रिपीटिव क्वेश्चन, ठीक है, इसका मतलब होता है कि प्राइमा फेशिया का मतलब क्या हो जाएगा कि जो एट द फर्स्ट टाइम, पहले टाइम पे देखा गया हो। ठीक है, और प्रो बोन पब्लिको, ठीक है, प्रो बोन पब्लिको क्या होगा? प्रो बोन कि फॉर द पब्लिक गुड, पब्लिक के उसके लिए बेहतरी के लिए, ठीक है, जो चीज दी जाएंगे प्रो बोन पब्लिको। ठीक है, ओके 98 देखते हैं। द बेस्ट फीचर ऑफ द जुडिशियल प्लान ऑफ 1718, दिस इज अ लीगल हिस्ट्री का क्वेश्चन, इसमें क्या सबसे बेहतर प्लान था कि 1980 में इसको क्या दिया गया था? देखो 98 में बोला गया था कि राजस्व और जुडिशियल फंक्शन क्या बनाया गया था, कलेक्टर, सुना आपने कलेक्टर वाला, इससे पहली वाली वीडियो में था। बेसिकली मैं कह सकता हूँ रिपीटिव क्वेश्चन है, हु अबॉलिश द सिस्टम ऑफ द सर्किट कोर्ट, सर्किट कोर्ट आपको पता है, सर्किट कोर्ट किसने अबॉलिश की 1919, तो सर्किट जो अबॉलिश की थी वो विलियम बेंटिक ने की थी। ठीक है, विलियम बेंटिक ने सर्किट कोर्ट्स भी अबॉलिश की थी। फिर आते हैं 100वां क्वेश्चन और 100वां क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, बाकी 100 वीडियो नेक्स्ट में करेंगे। इन द विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द चीफ जस्टिस इम्पे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये आपको पता है कि 1773 में आया था, और चीफ जस्टिस इनको कोर्ट को कहा कि अक्यूज ऑफ कमिटिंग ऑफ जुडिशियल, इसने जुडिशियल मर्डर किया था, तो उस कौन सा केस था वो? ठीक है, तो वो केस था नंद कुमार केस, नंद कुमार केस में इसको बोला था कि इसने जुडिशियल का मर्डर कर दिया क्योंकि इसने करप्शन किया था इसमें। ठीक है ना, फिर आता है आपका इन विच ईयर द ब्लैक एक्ट, ब्लैक एक्ट आया था, वाज पास्ड सब्जेक्टिंग द ब्रिटिश सब्जेक्ट टू द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कंपनी सिविल कोर्ट, तो 1836 में इसको पास किया गया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज कमेंट करिए, ठीक है ना, ताकि हमें भी आगे मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।